एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गेस द प्लेस वेयर वी आर। गेस कीजिए कौन सा प्लेस है। चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। आज हम खुद ट्यूलिप गार्डन में आए हैं, बट ट्यूलिप तो है ही नहीं क्योंकि अब उनका सीजन रहा नहीं। वो देखिए मन्नत बहुत इंजॉय कर रही है क्योंकि अब पतझड़ का मौसम है, सारे फूल भी मुरझा गए हैं। और ये देखिए, ये है वो जगह जहाँ पे ट्यूलिप्स लगाए जाते हैं, लेकिन आज अक्टूबर एंडिंग है, नवंबर का महीना है, तो अब इनका सीज़न नहीं होता, तो यही कारण है अब ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए मन्नत बहुत इरिटेट हो रही है कि मम्मा यहाँ पे कोई फ्लावर्स ही नहीं है, या मज़ा नहीं आ रहा है, कोई स्विंग्स नहीं है, झूले नहीं है। बस थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिखने को है नहीं, तो हमने वही सोचा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलते हैं। क्योंकि मन्नत भी जिद कर रही थी, मम्मा मैंने जखैनी पार्क जाना है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से जल्दी निकलते हैं और जखैनी पार्क में भी जल्दी पहुँच के मन्नत थोड़ा वहाँ खेल लेगी, थोड़ा इन्जॉय करेगी, उसके बाद हम घर चलते हैं। तो यहाँ पर आके थोड़ी ऐसे उदासी ही होगी कि हम क्या सोच के आए थे और क्या हो गया। तो चलिए अब निकलते हैं उधमपुर की तरफ वापस। लगभग 3 बज चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, काफ़ी भूख भी लगी हुई थी क्योंकि सुबह बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले थे। तो अब हम यहाँ पे रुके हुए हैं ताकि लंच करके फिर हम आगे निकलते हैं। तो लेकिन मन्नत ने आते ही पहले कोल्ड ड्रिंक ले ली, अभी इसकी चेस्ट भी ख़राब है बट ये मानती नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ले ली इसने अपनी। तो बस हम लोग जल्दी से लंच करके हम लोग निकलेंगे क्योंकि हमें अभी पहले घर नहीं जाना है सीधे, हमें जाते ही पहले जखैनी पार्क उतरना है क्योंकि मन्नत को वहाँ पे हमने घुमाना है। जब तक मन्नत को जखैनी पार्क नहीं लेके जाएंगे घर में रुक जाएगी, तो वो तंग करती है। फिर लंच करने के बाद हम निकल चुके हैं। हम ये देखिए मन्नत की मस्ती किस तरह से खुश हो रही है क्योंकि बहुत एक्साइटेड है कि जखैनी पार्क जाना है हमने। तो लंच काफ़ी अच्छा था, बहुत सिंपल खाना था, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, जैसे लग रहा था घर का खाना खाया हुआ है। जान लिया अपना पापा जो जखैनी पार्क जाना है, तो बस जखैनी पार्क आए, थोड़ी देर उसको यहाँ पे घुमा लेंगे, उसके बाद फिर हम चलते हैं। आज का बस यही पूरे दिन का शेड्यूल रहा हमारा। पहले हम अपने स्कूल के वहाँ से हमको चले गए क्योंकि ट्यूलिप गार्डन देखना था। ट्यूलिप गार्डन तो बिल्कुल आज था ही नहीं क्योंकि सीज़न वैसा रहा नहीं है, ये सीज़न ऐसा होता है कि सारे फूल भी मुरझा गए होते हैं, पतझड़ है ना ये, तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो कुछ मज़ा नहीं आया, इसलिए अब यहाँ पर आए। अब देखते हैं नेक्स्ट का क्या रहेगा। वो देखिए मन्नत, ये देखिए शरारती बच्चा, ये बिल्कुल भी एक जगह नहीं बैठती, जब इसके साथ हम यहाँ आते हैं ना बहुत तंग करती है, पूरा हमें घूमना पड़ता है इसके साथ। उससे ज़्यादा तो जखैनी पार्क मुझे अपना अच्छा लगा। ये देखिए सुबह फ्लावर्स यहाँ पे हैं, ये देखिए खूबसूरती, ये देखिए कितने अच्छे यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। तो मैं तो सबको कहूँगी भाई सर्दियों में यहाँ पर आप सुबह आइए अपना दोपहर का लंच लेके, यहाँ पे खूब इंजॉय कीजिए क्योंकि हमारे उधमपुर में भी जखैनी पार्क बहुत अच्छी पार्क है जहाँ जाके हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। ये देखिए पीछे फाउंटेन है, बच्चे इसको देख के भी बहुत खुश होते हैं। ये देखिए फाउंटेन, ये देखिए मन्नत तो भाग गए यहाँ पे, बहुत ही अच्छी जगह है ये जखैनी पार्क हमारा, तो आप जरूर यहाँ पर आइएगा। जो भी इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ विजिट कीजिएगा यहाँ पे। ओके, चलो।